हेलो नमस्कार, मैं बेबी हेमरम स्वागत करती हूं आप सबों को बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ झारखंड का औद्योगिक नीति के 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अधिसूचित हुई थी? उत्तर होगा 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2001 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिसका क्या उद्देश्य था? और इसका आंसर होगा राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 2001 में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? इसका आंसर होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मार्च 2011 तक किस औद्योगिक नीति का विस्तारीकरण किया गया था? इसका आंसर है झारखंड औद्योगिक नीति 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्ट एरिया एवं थ्रस्ट जोन की पहचान करना ताकि औद्योगिकरण के उद्देश्य से प्रक्षेत्रवार प्राथमिकता और पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जा सके, यह किस नीति का उद्देश्य है? और इसका आंसर होगा झारखंड औद्योगिक नीति 2001 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार इकाइयों को पुनर्जीवन देना, यह किस औद्योगिक नीति का उद्देश्य है? और इसका आंसर है झारखंड औद्योगिक नीति 2001 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं के बुनियाद पर कौन सी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? और इसका आंसर है झारखंड औद्योगिक नीति 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद उद्योगों तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करना किस औद्योगिक नीति का उद्देश्य है? और इसका आंसर है झारखंड औद्योगिक नीति 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के लागू होने के बाद राज्य में कितने मेगा उद्योगों की स्थापना हुई? और इसका आंसर है 26 मेगा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के लागू होने के बाद राज्य में कितने सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों की स्थापना हुई? और इसका आंसर होगा 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था, कितना लक्ष्य रखा था? आंसर होगा 100% विद्युतीकरण का, और कब तक? 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? और ये है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, कितना आवश्यकता है? तो इसका आंसर है 300 करोड़ रुपया। दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह से आप लोगों को अगर मेरी और भी क्लास चाहिए तो बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।